जय हिंद दोस्तों। बहुत समय से ये मैसेजेस आ रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है तो बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई छोटी मोटी जानकारी, छोटी बड़ी जानकारी, छोटे मोटे मैसेजेस, छोटे मोटे जो कट होते हैं, छोटे मोटे फॉर्म, छोटी मतलब किसी भी तरह की जानकारी, आपको 90 से 95% की जानकारी आपको घर बैठे ही ये वीडियो देखने से मिल जाएगी। उसके लिए आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। समय निकाल कर जाते हो पेट्रोल जला कर और छुट्टी रख कर जाते हो, मतलब अपना भी समय बर्बाद होता है और वहाँ पर जाकर भीड़ देख कर और जवाब भी पूरा नहीं सुन पाते, समझ पाते। वो बैंक अधिकारी बता देते हैं शॉर्टकट में जवाब आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। तो आपको किसी भी तरह की जानकारी यहां मिल जाएगी। इसके लिए जरूरी है वीडियो पूरा देखना, वीडियो पूरा देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं बता दूं, वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये मैसेजेस आ रहे हैं, देखिए मुझे भी मैसेज आया कल 4 बजे दोपहर को 3:59 पे और शाम को 3:59 पे बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अननोन नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये JMBOICMP के नाम से मैसेज आया हुआ है। अब मैसेज में क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं। डियर कस्टमर, प्यारे ग्राहक, नेवर शेयर योर OTP, पिन, CVV, कार्ड एक्सपायरी डेट, कार्ड नंबर टू एनीबडी ओवर फोन और एनी अदर मीडिया। तो आपको बैंक ऑफ इंडिया बोल रही है कि किसी भी तरह की जानकारी आपके ATM से जुड़ी हुई आपको फ़ोन पे नहीं बतानी है और ना ही किसी मीडिया पे बतानी है। अदर मीडिया मतलब फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, टिकटॉक जो भी हो, उल्टा सीधा जहाँ पे भी कहीं पे भी किसी को नहीं बतानी है। स्पेशली रुको रुको रुको, वीडियो छोड़ के मत जाओ दोस्तों, वीडियो छोड़ के मत जाओ, आधा एक मिनट होता है, वीडियो छोड़ के मत जाओ। इसके ज़्यादातर शिकार घर की महिलाएं होती हैं, हमारे घर की महिलाएं होती है या बुजुर्ग होते हैं। तो और कई कई हम लोग जेंट्स लोग भी कहीं कहीं ऐसे बेवकूफ़ जालसाज में, बेवकूफ़ नहीं बन जाते, लेकिन हम ये लोग का जाला ताना बुना ऐसा खतरनाक होता है, इतना शरीफ और सराफत से बात करते हैं OTP लेने के लिए या CVV लेने के लिए कि हम फंस जाते हैं। हमको लगता है कि बैंक के बहुत बड़े मतलब बैंक ऑफ इंडिया के मालिक ही बोल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। तो आपको किसी भी तरह से झांसे में नहीं आना है। अपनी घर की महिलाओं को भी चैनल जरूर सब्सक्राइब करवा दो, ये जी हाँ, और घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करा दो। और कार्ड से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, चाहे OTP हो, वन टाइम पासवर्ड, किसी भी तरह का OTP आता है तो समझ लेना घंटी का खतरे की घंटी का निशान है। कोई भी अगर पिन पूछता है तो समझ लेना खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। कोई भी CVV पूछता है, CVV नहीं बोलेगा आपको, बोलेगा भाई वो आपके कार्ड के पीछे लिखा है ना छोटे से वो बताइए, तो या ऐसा कुछ बोलेगा, तो वो आपको किसी भी हालत में नहीं बताना है। आपसे पूछ सकता है कार्ड एक्सपायरी डेट क्या हुआ है, भैया जरा बताना तो कार्ड एक्सपायर होने वाला है, हम नया कार्ड भेजेंगे, ये वो। कार्ड एक्सपायरी डेट नहीं बताना है तो नहीं बताना है। कार्ड नंबर पूछ सकता है, भैया कार्ड नंबर बताना, तो जरा ये कार्ड नंबर जो है आगे पीछे हो गया, हम इसी कार्ड नंबर नया कार्ड आपको भेजने वाले हैं, ज़्यादा लिमिट वाला कार्ड भेजने वाले हैं, वगैरह 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 कुछ भी बोल के बताता है तो आपको कार्ड नंबर भी नहीं बताना। मतलब ये सारी चीज़ें आपको कहीं भी शेयर नहीं करनी है, ध्यान रहे, ठीक है। और मुझसे जब शेयर करते हो कोई भी बात, तो मैंने आपको बताया कि अपने अकाउंट के जो लास्ट के 4 अंक है वो तो ठीक है, क्योंकि उससे पता नहीं चल पाएगा कहाँ पे है, लेकिन जो आपका मोबाइल नंबर है वो ना शेयर करें, OTP आता है वो ना शेयर करें, बाकी मैसेजेस शेयर कर सकते हैं वो भी सिक्योरिटी के साथ। आप मुझे अगर मेल करेंगे तो मेल में मैं हाइड करके ही उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपके पास भी अगर कोई ऐसा वीडियो आता है, कोई ऐसा मैसेजेज आता है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मेरा दिया हुआ है, मैं आप उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। फिलहाल इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जय हिंद।